विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। प्यारे खोजियों, जो प्रार्थना सभी का भला और तीव्र गति से तेज लाभ कर सकती है, वह है विश्व के सारे लीडर्स के लिए प्रार्थना करना। विश्व के सारे लीडर्स एक दिशा में काम करें तो परिणाम जो आएगा जल्द और भव्य होगा। तो प्रार्थना में विश्व के सारे लीडर्स के लिए तीन चरण क्या रखने चाहिए? पहला, विश्व के सारे लीडर्स नायक निस्वार्थ भाव से विश्व शांति और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए काम करें, वे सब शांति दूत बने। उसका दूसरा चरण ये हो कि विश्व के सारे लीडर्स आउट ऑफ बॉक्स की सोच रखें, यानी समस्याओं का रचनात्मक समाधान वे ढूंढ पाएं। जो विश्व में पहले कभी नहीं हुआ वह सब मिलकर प्रेम आनंद मौन से आयोजित करें। तीसरा चरण, विश्व के सारे लीडर्स की इच्छा वही हो जो ईश्वर की इच्छा है, यानी जो ईश्वर की इच्छा है वही इच्छा विश्व के सारे लीडर्स रखें। यह संभव है, ऐसा हो रहा है। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करेंगे, सभी आंखें बंद करें। हे परम ईश्वर, आप पूर्णता हो, आपकी पूर्णता सभी को मिले। सभी अपने अंदर पूर्णता को महसूस करें। इस पूर्णता को महसूस करके लोग ऐसे आनंद में आ जाएंगे, प्रेम में आ जाएंगे, मौन में आ जाएंगे कि वे चाहेंगे सभी को यह मिले। यही पूर्णता की खासियत है। सभी बुरा न सुने, बुरा न कहें, बुरा न देखें, बुरा न सोचें, बुरा न महसूस करें, बुरे न बने, बल्कि पूरा सुने, पूरा देखें, पूरा कहें, पूरा सोचें, पूरा महसूस करें और पूर्ण बने। पूर्णता से हर काम पूर्ण होता है, समय पर होता है। बुरा मत सुनो, लोग सुनते हैं मगर पूरा सुनो नहीं सुनते हैं। तो पूरा ज्ञान हर मनुष्य को मिले, सारे मनुष्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें, संपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करें। हे परमात्मा, आपके शुभ्र प्रकाश में
ऐसी कृपा भर दो ताकि सारे जीव पूर्णता को प्राप्त करें, पूरा सुने, पूरा महसूस करें, पूरा सोचें, ताकि हर बीमारी से मुक्त हो सकें, अधूरी सोच से, अधूरे ज्ञान से मानसिक बीमारियां पैदा होती हैं, वे बीमारियां समाप्त हो जाएं। कोई किसी को बुरा कहे तो बुरा न माने, पूरा जाने, बुरा न माने, पूरा जाने, पूरा महसूस करें। जो इमोशन शरीर पर आते हैं वे अकायम हैं, वे कुछ पल रहते हैं और विलीन होते हैं, उन्हें जानते रहें, पलायन न करें, पूरा महसूस करें ताकि वे इमोशन चले जाएं, वापस अंदर दब न जाएं। कई इमोशंस, भावनाओं की परतें, लेयर्स इंसान के अंदर दबे पड़े हैं, हर लेयर से मुक्ति मिले। सभी को हर नकारात्मक इमोशन से जो दबे पड़े हैं, बीमारियां पैदा कर रहे हैं, वे समाप्त हो जाएं, वे निकल जाएं। हे परमात्मा, विश्व के हर मनुष्य को ये समझ मिले कि वह आंशिक सत्य न देखे, पूर्ण सत्य देखे, पूर्ण सच्चाई देखे, बुराई की भी जो अच्छाई है उस अच्छाई को जानकर बुराई से नफरत नहीं बल्कि क्षमा साधना द्वारा सफाई करनी है। बुराई की सफाई बिना नफरत लाए, ये सच्चाई है। लोग बुरे नहीं हैं, लोग अलग हैं। लोग गलत नहीं, अलग हैं। उन्हें स्वीकार करें। सभी एक दूसरे को स्वीकार करके मिलजुल कर आपस में रहें। पृथ्वी से सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं जो बुराई के पक्ष में हैं, जो पूरा सोचने नहीं देती, जो डरा देती हैं। लोग डरों से बाहर आ जाएं, खुलकर खिलकर गुलाब की तरह पूरा लाल हो जाएं, पूर्णता का आनंद सबको मिले, सबको मिले। न अच्छा बनना है, न बुरा बनना है, पूरा बनना है। तेज सफल हर मनुष्य बने, पृथ्वी लक्ष्य प्राप्त करके पृथ्वी से जाए, स्वस्थ रहकर जाए। संतुष्टि से जाए, अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें।
अंत में तपर्पण करें, ध्यान और प्रार्थना में जो बल प्राप्त हुआ है, मानसिक शांति मिली है, उसका फल सबको मिले, सबका कल्याण हो, हर जीव सुखी बने, इस भाव के साथ सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। ये चीज मेरे साथ है तो ये लकी है, ये चीज मेरे साथ है तो मैं सफल हो सकता हूँ, तो ये है पर निर्भरता। आप धीरे धीरे इन चीजों के गुलाम होते जा रहे हैं। एक टेम्पररी प्रॉब्लम के लिए शुरू करते हैं, मगर बाद में वे चीजें आपके साथ हमेशा जुड़ जाती हैं। किसी के लिए लक्की नंबर है, किसी के लिए लक्की दिन है, किसी के लिए कोई कर्म कांड है, वो किए बगैर वो घर से निकलता नहीं, वही ड्रेस पहनी तो वो सफल होगा, उसका केस जीत जाएगा, अगर वह ड्रेस नहीं पहनी तो काम होने वाला नहीं है। तो ऐसे अनेकों उदाहरण सभी को क्लिक हो रहे होंगे कि पर निर्भरता कैसे शुरू होती है, और धीरे धीरे फिर हम उन्हीं बातों को बढ़ाते जाते हैं। कब इंसान भूल गया हकीकत और उसने अपना विश्वास खो दिया, आत्मविश्वास। मनन करें जो सुना, लोगों के जुबान पर होता है बदलू बैल। बदलू बैल यानी इंसान अपनी जुबान से ऐसे शब्द कहता है, सामने वाला इंतजार करता कब मुझे मौका मिलता है मैं अपना बदला लूं, और जिस दिन उसको मौका मिलता है वो आप पर प्रहार करता है, शब्दों का या धोखा। तो ये जुबान ने ही अपना नुकसान करवाया। बदलू बैल यानी क्या? बदला लेने वाला बैल। आ बैल मुझे मार। लोग सुबह से लेकर रात तक जो शब्द बोल रहे हैं उनमें पहले तो वे शब्द बंद कर दो जिससे बदलू बैल तैयार होता है, वे शब्द बंद कर दो, और कसम खा लो कि मैं ऐसे कोई शब्द नहीं कहूंगा जो मेरा नुकसान करेंगे, जो मेरी हानि करेंगे, ऐसे शब्द मैं नहीं कहूंगा, तो बदलू बैल समाप्त हो जाएगा। मनन करें जो सुना। लोग अनजाने में दूसरों को कर्स करते हैं, बद्दुआ देते हैं, गलत उच्चारण करते हैं, और ये मल्टीप्लाई होकर वापस आता है। अनजाने में गुस्से में लोग ऐसे शब्द कह देते हैं जो सामने वाले को जिंदगी भर याद रहते हैं। कसम खा लेनी है ऐसे शब्द नहीं कहने हैं जो बैकफायर होंगे, जो मेरी ही हानि करने वाले हैं। और फिर इस जुबान को कौन सी भाषा सिखानी है? दुनिया की ऐसी भाषा जो सबको पसंद आती है, जिसका नाम है गुड सर्विस लैंग्वेज। ये क्या है? ऐसी भाषा जो सेवा भाव भाषा है। गुड सर्विस लैंग्वेज क्या है? ऐसी भाषा सामने वाले को सुनकर वो चैन की सांस लेता है, राहत की सांस लेता है। मनन करें जो सुना।
प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।